हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को वापस कीजिए, जम्मू कश्मीर स्टेट को पावर प्रोजेक्ट्स वापस कर दीजिए। वाटर रिसोर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये मेरा पानी है, यहाँ के लोगों का पानी है, जम्मू कश्मीर का पानी है, मुझे इसका रेवेन्यू मुझे मिलना चाहिए, मुझे 12% मिलता है। रॉ मटेरियल मेरा है तो मुझे 12% ही आप देंगे? मुझे ये अपने प्रोजेक्ट्स वापस का, एनटीपीसी शुड गिव मी दीज प्रोजेक्ट्स बैक, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। और यहां पे हमारी सिचुएशन सही हो, जम्मू कश्मीर का मामला दुरुस्त हो जाए, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन सही से चले, यहाँ पे टूरिज्म सही से चले, जम्मू कश्मीर के लिए तो नहायत ही मायूसकुन है, 35,000 करोड़ आपने अलॉट किए हैं, एलोकेट किए हैं जम्मू कश्मीर को, मगर दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट लास्ट ईयर का, इस साल मैं क्या करूँ, मेरी आमदनी ही नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार चिल्ला के आपको कह रहे हैं कि भाई आपने जो 5 अगस्त 2019 को जो कार्रवाई की एब्रोगेशन ऑफ 370, उसका बहुत ही खराब इफेक्ट जम्मू कश्मीर स्टेट पे आया, मेरा टूरिज्म क्रिपल हो गया, हैंडीक्राफ्ट क्रिपल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्रिपल हो गए, उसकी भरपाई आपको करीब हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी हमारे इदारे हैं उन्होंने आपको एक फिगर दी हुई है, इट इज वेरी क्लोज टू 80,000 करोड़। आपने डिसीजन लिया गलत और मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, 80,000 करोड़ आपको देने हैं जम्मू कश्मीर स्टेट को, अपार्ट फ्रॉम जो आप ये डेफिसिट की भरपाई कर रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट जो हो रहा है हर साल, 35,000 करोड़ इज अ वेरी ह्यूज नंबर। और हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर इतने हाई हैं, जब तक आप उनको कम नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होगा ये यहाँ के बजट को संभालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उसके अलावा हम जो डिमांड हमेशा करते आ रहे हैं कि भाई तब देन जम्मू कश्मीर डज नॉट नीड हेल्प, हम यहां से दे सकते हैं आपको लोन्स, इतनी ताकत है हमारे में, अल्लाह ने दी हुई। सो अब आप इसको एक मुझे 35,000 करोड़ देंगे जी, आप रेवेन्यू डेफिसिट अपना बराबर करें, 200-300 करोड़ आप डल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, सब जाया हो रहा है। वो अच्छा होगा ये डल को, ये वुलर को, जितने भी हमारे ये दरिया यहाँ पे हमारी लेक्स हैं, इनको हवाले किया जाए ऑन अ 5 ईयर और अ 10 ईयर बेसिस टू इधर ऑस्ट्रियंस और टू द जर्मन्स और टू द जैपनीज, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है लेक्स को साफ करने का, वो रिवर टूरिज्म यहाँ पर हम पूरा कर सकते हैं, उस पर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं उस बारे में, मगर अगर किया जाए वो, नहीं तो हम यही लॉन्ड ऑर्डर, और लॉन्ड ऑर्डर के लिए आप करीब 225 करोड़ रुपया पर डे आपका सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है यहाँ पर डे, तो इतना जब अब हो रहा है तो आप जम्मू कश्मीर स्टेट को क्या करेंगे? 21-22% हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, द हाईएस्ट इन द कंट्री, उनके लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई एवेन्यू ही नहीं है, क्या करेंगे वो लोग? उसके बारे में तो यू आर साइलेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, शी साइलेंट ऑन दैट। देखिए आत्मनिर्भर भारत इज फॉर वेरी डिफरेंट मैटर्स, ये दीज आर इनको लेक्स को साफ करना, ये एक बहुत ही हाईली टेक्निकल इशू है, हमारे पास वो साधन नहीं है अभी मुल्क में, वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी। आप हर साल इस पर 100-300 करोड़ खर्च करते हैं, वो तो सारा जाया हो रहा है, इसको एक ही दफा हैंडओवर किया जाए टू एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट्स, जो हमारी लेक्स को साफ करेंगे और उसको टूरिज्म के लिए खोल देंगे, फिर रिवर टूरिज्म। तो शाह साहब 60 लाख नौकरी दी गई है मलक के लिए, क्या एक्सेप्शन? बहुत ही गलत, बिल्कुल नहीं। आप हमने तो सुना था नरेंद्र मोदी जी की जबान से, हमने सुना है कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा पर ईयर, तो आज तो 5-7 साल के बाद आप बोल रहे हैं अगले 5 साल के लिए मैं 60 लाख नौकरियां दूंगा 5 साल में, तो मेरे जो 20 लाख यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं उनका क्या होगा, उनका नंबर कब आएगा? इस हिसाब से तो कभी नहीं आएगा। सो मुझे मैं उतना इस बजट से मुतमईन नहीं हूँ। तो
सर जो जो पहले हमको खाने को मनी मिलना चाहिए, उसके बाद देखेंगे डिजिटल मनी का. पीपल वॉन्ट मनी इन द हैंड. कोविड के बाद लोगों को, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इस बजट में कोई खास चीज नहीं थी, फार्मर्स के लिए इस बजट में कोई खास चीज नहीं बाहर आई सामने, हमारे नौजवानों के लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई चीज सामने बाहर नहीं आई.